बड़ी खबर मेरठ से। मेरठ के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है, भीषण आग लगने की खबर है। फैक्ट्री का सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची है फायर ब्रिगेड। नौचंदी के जमुना नगर की ये घटना है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां नहीं पहुंची, दमकल विभाग की गाड़ियां वहां नहीं पहुंची, ये खबर है। और नौचंदी के जमुना नगर की ये घटना है, नौचंदी के जमुना नगर की एक घटना है जहां पर सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची है। यहां एक प्लास्टिक गोडाउन में आग लगी है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आग के बाद किस तरह से धुएं का गुबार साफ तौर पर दिख रहा है, धू धू कर उस बिल्डिंग में से धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं। मेरठ की एक खबर जहां प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी है, फैक्ट्री का सिलेंडर फटने से आग लगी है। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन फायर विभाग को दे दी गई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी दमकल कर्मी या दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची है। मेरठ की यह तस्वीर। मुनव्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मुनव्वर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? रोहित, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मेरठ का सेंसिटिव इलाका है जमुना नगर। यहाँ रेजिडेंस के साथ साथ कॉमर्शियल बिल्डिंगें भी हैं, और ये आग लग रही है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। ये आग लगे तकरीबन एक घंटे से डेढ़ घंटा हो गया। इसके साथ ही जब ये आग भड़क रही थी तो स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन दमकल विभाग ने यहाँ पहुंचने में, हालांकि अभी एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पहुंचने में पूरा एक घंटा लगा दिया है, जिसके चलते ये आग भड़क गई। और ये आग लगातार जो इसके आसपास की बिल्डिंगें हैं उन पर अटैक कर रही है, उनको अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक गाड़ी यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन वो गाड़ी जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। आग पानी डालने से उल्टा भड़क रही है, और ये आग इतना भयंकर रूप ले चुकी है कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जो है एक तरह से बिल्कुल विकराल हो चुकी है, और जो आसपास लोग खड़े हैं वो बिल्कुल भाग चुके हैं, क्योंकि आग के साथ साथ जो गर्मी गर्माहट है यहाँ पर वो काफी तादाद इसकी बढ़ गई है। यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आग भड़क रही है। हालांकि दमकल की अगर बात करें तो उस पर यहाँ पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आगे लोगों का कहना है कि जब इन्होंने फोन किया था, फोन कॉल किया था, उस दौरान नंबर भी नहीं लगा था, और किसी प्रकार नंबर लगा तो दमकल की पहुंचने में एक घंटा। मुझे कुछ और भी जानकारी लेनी है मनोवर। आपने बताया कि रेसिडेंशियल भी इलाका है और ऑफिसेज भी हैं, क्या ये परमिशन ग्रांट है उनके पास? ये अभी रोहित जांच का विषय है, क्योंकि ये पॉलोथिन की जो गोडाउन बताया जाता है, यहाँ पर पॉलोथिन स्टोर हो रहा था। हालांकि पॉलोथिन बैन भी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि ये अवैध रूप से यहाँ पर चल रहा था। ये जांच का विषय है, और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जांच करने के बाद कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन अभी सवाल यहाँ पर इंसानों की जान का भी है, क्योंकि बराबर में घर भी है और घरों पर ये आग लगातार अटैक कर रही है। जो आसपास के यहाँ पर घर है वो लोग खुद कोशिशें कर रहे हैं किस तरह से आग रुके और उनके घर पर नहीं पहुंचे। हालांकि मैं बता दूं आपको, इस गोडाउन के बराबर में एक घर है, वो भी आधा इसकी चपेट में आ चुका है, और जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनको इस घर से निकाल दिया गया है, खाली करा लिया गया है। पुलिस खुद मान रही है कि दमकल की जो यहाँ पर टीम पहुंचनी चाहिए थी वो समय से नहीं पहुंच पाई है, और जिसके चलते यहाँ पर ये लगातार जो लाखों का नुकसान हो रहा है। इस गोडाउन के अंदर बताया जाता है गाड़ियां भी हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि सिलेंडर भी इसके अंदर है। अगर ऐसा हुआ कि सिलेंडर इसके अंदर हुए तो कभी भी धमाका हो सकता है, और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस ने जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको घटनास्थल से काफी दूर कर दिया है, लेकिन जनता है और आग लगी हुई है, अपने जान माल की सुरक्षा रक्षा करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस के साथ विभाग के साथ साथ जो जनता है वो खुद आग बुझाने में लगी है, और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनको हटा करके पाइप खुद हाथों में लेकर के वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि अभी इंतजार है कि चलिए मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी जो पता चल पाया इनिशियली वो सिलेंडर में धमाके के बाद आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग के बाद धुएं के गुबार किस तरह से देखने को मिला। फिलहाल दमकल की एक गाड़ी पहुंची है जो काफ़ी लंबे वक्त के बाद पहुंची है, अब आग को बुझाने के काम में वो लग चुकी है।